तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला, चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब ना दे तो आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया जाए। ये कौन सी धमकी भाई? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना देने की आवश्यकता है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये प्रश्न हो सकता। बस हवा निकल गई। नहीं, राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल को अपॉइंट तो केंद्र सरकार ही करती है सर। पत्राचार करने का अधिकार है कि नहीं? सही कह रही हैं आप, लेकिन संवैधानिक पद है और मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। सरकार किसकी है सर? गृह मंत्रालय का। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, क्या बात कर रहे हैं सर? गजब बेइज्जती है। मैं सही बात कर रहा हूँ। अब राजभवन कौन सा निर्णय क्यों ले रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कैसे कोई जवाब दे सकता है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 2020 से वहाँ क्या चल रहा है, इस पर बीजेपी का प्रवक्ता ऑफिशियली कह सकता है? सही पकड़े हैं। जो कि इंटरनेशनल मैटर है, लेकिन लेकिन पंजाब के राज्यपाल क्या करेंगे? जो जानकारी होगी नहीं देगा सरकार जो जानकारी नहीं, सरकार के की द्वारा जो उपलब्ध जानकारी होगी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे सकता है। क्या जो धमकी बनवारी लाल पुरोहित ने चिट्ठी के जरिए दी उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मानूं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये धमकी आपका शब्द है, वो पढ़ देती हूँ। एक पत्राचार और धमकी कैसे है, जरा बताइए धमकी कैसे? सुन लीजिए, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे द्वारा लिखे गए पूर्व पत्रों के तहत मांगी गई अपेक्षित जानकारी भेजने के साथ साथ आप बाकी दिशा में उठाए गए कदमों के संबंध में भी जानकारी मुहैया कराएं, यानी कि चिट्ठी का जवाब नहीं देने पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास धारा 300 आर्टिकल 356 के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तो नोटिस है, बहुत सिंपल बात है। दोस्तों, इस देश में जितना मोदी राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उतना पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। पंजाब में एक लेटर का जवाब नहीं देने पर वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की तानाशाही धमकी दे डाला और इसी पर गरिमा सिंह ने अपने डिबेट में भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया तो इनकी बत्ती गुल हो जाती है कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। इस पर गरिमा सिंह ने इसकी बख्या उधेड़ कर रख दी कि LAC और अन्य मुद्दों पर सरकार के प्रवक्ता बन जाएंगे पर इस मुद्दे पर नहीं। खैर, जब एंकर ने पंजाब के राज्यपाल के लेटर को पढ़कर सुना दिया तो शुक्ला बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि ये तो नोटिस है, बड़ा सिंपल सी बात है ये, यानी कि संविधान की धज्जियां उड़ाना इनके लिए बड़ा ही सिंपल सी बात होती है। अनुच्छेद 356 लगाने की है। प्रेम शुक्ला जी बड़े भोले बनते हैं। जनता पार्टी की शुरू से ही इतने भोले आप हैं नहीं जितने भोले बनते सरकार के समय भी। ये तो भाई मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं? प्रेम शुक्ला, मणिपुर में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया, बिल्कुल जिसको आपकी राज्यपाल ने कहा कि जिंदगी भर में इतनी हिंसा नहीं देखी, मणिपुर में अराजकता थी? ये फंस गया। नहीं, वो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुरू भी हुआ, इसके लिए हाईकोर्ट को जिम्मेदार कर दिया। जला मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं? कर रखा है और आपको सुनना नहीं चाह रही है प्रेम शुक्ला। आप क्या सुनना चाह रही है बताइए? आपने कहा पंजाब में अराजकता है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं? हाँ भाई हाँ, अराजकता को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम वहाँ उठाए गए, अराजकता फैलने नहीं दिया गया और एक और जगह राज्यपाल को कहना पड़ा कि जिंदगी में इतनी हिंसा नहीं देखी, काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कानून व्यवस्था है नहीं कहीं? बात तो सही है। हाँ, तो नहीं देखी थी उन्होंने, सत्य कहा उन्होंने, तो वहाँ 356 की बात क्यों नहीं आई? हाँ, वो इसलिए कि वो कांग्रेस के जमाने में वो दिल्ली नहीं रही थी। कुछ भी प्रेम शुक्ला, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आहत होते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया राज्य सरकार को। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, आप सुनने को तैयार? सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया, राज्यपाल ने कहा कि हिंसा नहीं देखी मैंने अपने जीवन भर में, लेकिन 356 का जिक्र वहाँ नहीं आया। पंजाब में 356 का जिक्र ले आते हैं आप, कारण वहाँ दंगा हुआ, आपकी क्या राय है? हाँ जी, और जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछ लिया गया कि मणिपुर में अराजकता थी कि नहीं, तो हाई कोर्ट को बीच में ले आया ये शुक्ला, पर इस पर एक शब्द नहीं बोलता दिख रहा कि मणिपुर में अराजकता थी या नहीं। लेकिन इस शुक्ला के मुताबिक पंजाब में अराजकता है। वाह रे संघी वाह, ऐसे दोगला चरित्र ये लोग लाते कहां से है। खैर, गरिमा सिंह ने फिर से मणिपुर में
1956 की बात की तो हमेशा की तरह कांग्रेस का राग अलापने लगा ये भाजपा प्रवक्ता। मतलब सवालों का जवाब नहीं है तो कांग्रेस का आड़ लेकर इधर उधर की बात करने लग जाओ, ये भाजपाइयों की बहुत पुरानी फितरत है और ये पूरे देश को भी पता है और इसी तरह से पूरे देश को ये मूर्ख भी पिछले कुछ सालों से लगातार बना रहे हैं। तो इस तरह से मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछे जाने पर बोलती बंद हो जा रही है। क्या पूछ रहे हैं? एक तो हम नहीं ला रहे हैं, पहली बात गरिमा सिंह जी, इतनी भी समझ आपको रखनी होगी। वो राजभवन ला रहा है, राज्यपाल ला रहे हैं। जो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक व्यवस्था उनको दी गई है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और मैं राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं हूँ। मजा आया।